प्री मार्केट एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज 24 अप्रैल 2024 एंड आई एम योर होस्ट आशीष बरुआ। डॉलर इंडेक्स अभी है 105.7। कल के दिन में डॉलर इंडेक्स में क्या एक्टिविटी हुआ? नीचे से बाउंस बैक किया फ्रॉम एन इंट्राडे लो ऑफ 105.59। इट मूव्ड हायर टुवर्ड्स 105.95 एंड क्लोज्ड एट 105.82। सो यहां पे क्या है, एक आपका 18th अप्रैल का कैंडल का लो है, इसके लो के नीचे वी आर एक्सपेक्टिंग मींस सम सॉर्ट ऑफ सेलिंग और सम सॉर्ट ऑफ डाउन मूव। तो 23rd ऑफ अप्रैल को डाउन मूव दिया एंड कल के दिन में फॉलो थ्रू नहीं था, रेदर ये नीचे से लिटिल बिट ऑफ करेक्शंस किया। सो व्हाट नेक्स्ट, नेक्स्ट के लिए अभी कल का दिन का लो इज इंपॉर्टेंट। इसके लो के नीचे सम सॉर्ट ऑफ वीकनेस इज एक्सपेक्टेड इन डॉलर इंडेक्स। दैट मींस 105.50, यहाँ पे 59 लो है, 105.59 लो है, थोड़ा सा मैं मार्जिन ले लेता हूँ। सो 105.50 के नीचे वी मे एक्सपेक्ट डॉलर इंडेक्स टू मूव डाउन टुवर्ड्स 105.00। अभी आते हैं जीबीपी डॉलर। जीबीपी डॉलर जो है कल के दिन में मॉडरेट अप मूव किया हुआ है फ्रॉम एन इंट्राडे लो ऑफ 1.2422, इट मूव्ड हाई टुवर्ड्स 1.2470 एंड क्लोज्ड ऑलमोस्ट देयर। सो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है देखने के लिए आप क्या देखोगे, प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है। व्हाट नेक्स्ट में हमें अभी चाहिए, ये एक some sort of like this, yani abhi ek red candle chahiye, red candle ke high ke upar ek up move chahiye, in such a case gbp dollar mein hum ek up move dekh sakte hain, lekin hum agar upar mein bhi jayenge to ek resistance level hai, that means 1.2510 se 1.2580 ke beech mein ek resistance zone hai, yani top is little bit of means problematic. Means problematic, what I want to mean by it is some sort of conditions are there in the above levels. Means 1.257, 1.257080 levels. So, here we have to see price actions. Ko dekhne. Kya ye straight forward is range ko break karte hain? Ya, here we have resistance leke niche ki taraf aate hain. Abhi aate hain GBP INR. GBP INR mein bhi kal ke din mein means moderately bullish price actions dekha gaya, jiske karan it traded low of 103.48 and high of 103.91 and closed at 103.84. What next? What next ke liye upar ki taraf immediately ek resistance zone hai, that is 104.10 se 104.50 ke beech mein ek resistance zone hai. Kya is zone mein respect karke dobara niche ki taraf aate hain, ye hame dekhna padega. Abhi aate hain euro dollar. यूरो डॉलर कल के दिन में एक डोजी कैंडल बनाया हुआ है, डोजी मींस पॉज एंड पॉज एट ए रेजिस्टेंस लेवल। प्रीवियसली जो सपोर्ट था वहीं पे आके पॉज ले रहा है। अभी यहां पे देखना है क्या ये यहां पे टाइम पास करते हैं या डायरेक्टली रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करते हुए दोबारा नीचे की तरफ आ जाते हैं, नीचे की तरफ। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं तो मींस यानी इट इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। अगर यहां पे टाइम पास करते हैं दैट मींस इट इज ट्राइंग टू बिल्ड पावर, it is trying to build means the strength to break above the resistance zone. Abhi hame dekhna hai ki ye yahan pe immediately sharply niche ki taraf aa jate hain resistance ko respect karte hue ya time pass karte hain. Euro INR similarly means kafi consolidation ke baad kal ek doji candle banaya hua hai, and what next, ye jo consolidation iske baad ye kidhar jate hain, upar ki taraf ya niche ki taraf, usse hame dekhna hai. Abhi yen डॉलर येन में कल के दिन में बढ़िया सा एक अप मूव देखा गया एंड फ्रॉम एन इंट्राडे लो ऑफ 154.72 इट मूव्ड हायर टुवर्ड्स 155.37 एंड क्लोज्ड ऑलमोस्ट देयर, एंड आज उस लेवल से फर्दर अपवर्ड जर्नी तय हो रहा है। यानी यहाँ पे जब तक बीओजी एक्चुअली कुछ डिसीशंस नहीं लेते हैं तब तक येन मींस डिसीशन नहीं लेते, व्हाट डिसीशंस टू कर्व ईएन डेप्रिसिएशंस, तो तब तक ये ऊपर की तरफ। ऐसे भी हमारा टारगेट क्या है, मींस लॉन्गर टर्म टारगेट है 164 का ये वाला टारगेट। सो ओनली एक्सेप्शन इज इफ बीओजे इज नॉट टेकिंग ड्रास्टिक मेजर्स। ईएन आईएनआर
जैसे डॉलर येन अगर ऊपर जा रहा है तो ये ना ना नीचे की तरफ जा रहा है, अगर डॉलर येन 164 की तरफ जा रहा है तो आपका येन आइनर इज हेडिंग टुवर्ड्स 50.5050 की तरफ, इसी के तरफ वो मूव हो रहे हैं। अभी आते हैं डॉलर के डी, डॉलर के डी का अभी जो आपका क्या था, ये पहले रेजिस्टेंस था 1.36, 1.3620 का, उस रेजिस्टेंस में काफी टाइम पास किया, फिर ब्रेकआउट करके अच्छा खासा मूव दिया टुवर्ड्स 1.3850। अभी पुल बैक, नीचे की तरफ पुल बैक आ रहा है। अभी हमें क्या देखना था कि क्या ये यहाँ पे पुल बैक करके सपोर्ट के नजदीक, ये रेजिस्टेंस 1.36 के आसपास सपोर्ट लेते हुए दोबारा ऊपर जाते हैं या सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आते हैं। एज ऑफ नाउ कल के दिन में, कल नहीं परसों के दिन में एक पुल बैक देखा गया, एंड कल के दिन में नॉट परसों के दिन, कल के दिन में एक पुल बैक देखा गया, आज अभी यहाँ पे है। सो अभी यहाँ पे क्या ये मीन्स इस एरिया पे आपका डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जाते हैं। इन सच ए केस अगेन देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज डॉलर के बी मे बी अगेन टेस्टिंग द रिसेंट स्विंग हाई दैट इज 1.3850 की तरफ जाना चाहिए। अगर ये कल के लो को तोड़ देता है तो दोबारा ये 1.36 की तरफ मार्च करना चाहिए। अभी ऑसी डॉलर में यहाँ पे क्या बना, ये जो जोन था, ये जो वीकली चार्ट में देखोगे, लेफ्ट हैंड साइड इज वीकली चार्ट, राइट हैंड साइड इज द डेली चार्ट, अगर यहाँ पे देखोगे ये फॉल्स ब्रेक डाउन किया एंड अगेन विद इन द रेंज आ गया। दिस इज ए मींस आइडियल फॉल्स ब्रेक डाउन, दैट बीइंग द केस इसका मतलब क्या है, मींस काफी फर्स्ट एंड फ्यूरियस ऑसी डॉलर इज हेडिंग टुवर्ड्स 0.6650। ये एक वीकली पर्सपेक्टिव में है, एंड ओनली एक्सेप्शन इज कि ये 0.6457 के नीचे आना नहीं चाहिए, यानी ये जो जोन है इसके नीचे दोबारा नीचे की तरफ क्लोज नहीं देना चाहिए। दैट इज द ओनली एक्सेप्शन इन सच ए केस ऑसी डॉलर इज हेडिंग टुवर्ड्स 0.6650, सीएनई 7.26, जैसे आपका यहाँ पे काफी कंसोलिडेट कर रहा है, ये रेजिस्टेंस, ये मिस मेजर रेजिस्टेंस जोन है 7.29, एंड 7.29 के नजदीक में, नजदीक बोले तो आपका 7.25, 7.27 के बीच में काफी कंसोलिडेट, वीकली पर्सपेक्टिव में कंसोलिडेट कर रहा है, डायरेक्टली नीचे की तरफ नहीं आ रहे हैं वीकली पर्सपेक्टिव में। और अगर हम डेली प्राइस एक्शंस को देखेंगे, काफी कंसोलिडेशंस विद इन दिस नैरो रेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, जब भी रेजिस्टेंस क्या है नजदीक में का टाइम कंसोलिडेट करते हैं रेदर देन टेकिंग द रेजिस्टेंस, देयर मे बी हायर पॉसिबिलिटीज कि इट इज गार्नरिंग एनर्जी, गार्नरिंग पावर, गार्नरिंग रिसोर्सेस टू ब्रेक अबव द रेजिस्टेंस जोन। ये इमीडिएटली नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बिकॉज पीबीओसी इज स्ट्रॉन्ग एनफ टू डिफेंड यू1 डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे एक सिनारियो बना रहे हैं, इस सिनारियो के बाद क्या ये ऊपर की तरफ जाते हैं, कब जाएगा या नहीं जाएगा, हमें देखना है, एंड ऑल्सो हमें पीपीओसी का स्टैंड देखना है। अभी आते हैं ब्रेंट क्रूड, ब्रेंट क्रूड कल के दिन में एक आपका मींस क्या इन्वर्टेड हैमर टाइप का कैंडल बनाया हुआ है, ये ऊपर की तरफ 88.78 एंड लो 87.70 एंड करंटली 88.04। सो यहाँ पे एक जोन बनाया हुआ है, क्या जोन है, ये आपका 19th अप्रैल का हाई एंड 22nd अप्रैल का लो, ये जो दो लेवल है हाई एंड लो, ये जब तक इसके बाहर नहीं निकलते आइदर ऑन द हायर साइड और ऑन द लोअर साइड, तब तक प्राइस थोड़ा सा अंदर में ही कंसोलिडेट करेगा। एक बार अगर ब्रेक डाउन कर लेते हैं उसके बाद धमाल होगा, ऊपर की तरफ तो ज्यादा कुछ रूम नहीं है, मे बी टुवर्ड्स 91 एंड 93, लेकिन नीचे की तरफ अच्छा खासा करेक्शंस मे बी टुवर्ड्स 82 83 हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें इस जोन का ब्रेकआउट के लिए इंतजार करना है। ब्रेकआउट के ऊपर या नीचे We need to wait and watch. अभी आते हैं US 10-year Treasury. US 10-year Treasury कल के दिन में अच्छा खासा consolidate किया and in between 4.60 and 4.69. Currently it is 4.648. So हम अगर देखेंगे ये resistance zone में
कंसोलिडेट कर रहे हैं, अगेन ए कंसर्न। हमारा क्या था, ये जो वीकली बेसिस पे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेस्पेक्ट लेना चाहिए, एंड ऑल्सो फीब रिट्रेसमेंट के हिसाब से ये 61.8% के नजदीक है। सो एक रेजिस्टेंस जोन है, रेजिस्टेंस जोन में जबरदस्त मीन एक सेलिंग आना चाहिए, लेकिन टाइम पास कर रहे, सो हमें थोड़ा सा कंसर्न होना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर की तरफ चले जाए, एंड यूएस टू ईयर ट्रेजरी सिमिलरली ये रेजिस्टेंस में ज्यादा कुछ डाउन मूव नहीं देखा, रेदर एक टाइम पास कर रहे हैं, टाइम कंसोलिडेट कर रहे हैं। इट मींस कि अगेन अगर मींस अगेन इट इज गैदरिंग एनर्जी, गैदरिंग पावर, गैदरिंग स्ट्रेंथ टू चैलेंज द इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल व्हिच इज ए कॉज ऑफ कंसर्न। डॉलर रुपी में ज्यादा कुछ है नहीं, हमारा इनविजिबल हैंड्स अच्छी तरह से डंडा करके रखे हुए हैं, सो ना ये ऊपर जाने दे रहा है ना नीचे आने दे रहा है, ना ऊपर जाने दूंगा ना नीचे आने दूंगा, सो बीच बीच में थोड़ा सा एक स्विंग अप मूव मार रहा है। सो करेंटली इट इज एट 83.3132। सो यहाँ पे हमारा ये जो एक तो था कि प्रीवियस वीक के लो के नीचे, यानी 15th अप्रैल वाला जो वीक है उसके लो के नीचे एक सेलिंग था, लेकिन सेलिंग सस्टेन कर नहीं पा रहा है, यानी आपका 83.30 के नीचे एक सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन 83.2526 के नीचे जाने नहीं दे रहा है, अच्छा खासा डिमांड्स दिख रहे हैं। एंड वन मोर एनालिसिस इज द वीकली, दैट इज द 8th अप्रैल का जो लो है, दैट इज आवर 83.16। सो 83.15 के नीचे अगर वीकली क्लोज देते हैं तब जाके आपका 83.00 की तरफ जाने का एक प्रोबेबिलिटी हो सकते हैं, बट इनविजिबल हैंड्स आर मैन्युवरिंग द लेवल्स क्वाइट इफिशिएंटली। सो करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए इतने, आशा करता हूं ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा, इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।